दोस्तों YouTube के कम्युनिटी टैब में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। एक कमाल का फीचर YouTube के कम्युनिटी टैब में ऐड किया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि अगर कम्युनिटी टैब में आप वोट पोल डालने के लिए जाते थे तो वहां पे आप क्वेश्चन डाल करके यानी टेक्स्ट मैसेज को लिख करके वहां पे आप वोट पोल क्रिएट कर सकते थे कुछ इस तरीके का। तो अब इस फीचर्स को, इस ऑप्शन को यूट्यूब ने और भी ज्यादा अपडेट करके अपग्रेड कर दिया है। यानी फ्रेंड्स अब आप क्वेश्चन डाल करके वोट पोल अपने यूट्यूब चैनल पर तो कर ही सकते हैं, साथ ही दोस्तों अब आप चाहें तो अपना दो या चार फोटो को डाल करके यानी इमेजेस को अपलोड करके उस पे भी आप अपना वोटिंग पोल करा सकते हैं। इससे कि दोस्तों आपको एक फायदा यह होगा कि आप जब इस तरीके का एक वोटिंग पोल अपने YouTube के चैनल पे करेंगे तो जिसको जो पिक्चर पसंद आएगी उस पे लोग वोट पोल करेंगे। इससे आपके व्यूअर के साथ, आपके सब्सक्राइबर्स के साथ आपका एंगेजमेंट बनेगा और जब भी आप YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे आपके वीडियो पर व्यू जाने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं कि यह फीचर जो है, ये जो नया अपडेट है, आपको कहां देखने को मिलेगा और कैसे आप फोटो वाला वोट पोल अपने YouTube चैनल पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्यों दोस्तों यहाँ पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना YouTube ऐप को ओपन करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन देखने को मिल रही है, मैंने अपना YouTube ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको वोट पोल क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं कम्युनिटी टैब में। कहां से जाना है, कैसे जाना, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, अगर फ्रेंड्स आप अपने YouTube चैनल के लोगो पे क्लिक करते हैं, योर चैनल पे आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको करना है तो आपके चैनल का यहाँ पे होम पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी होम पेज मेरा ओपन हो रहा है, इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो कम्युनिटी टैब में वोट पोल करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ता है, कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा एक ऑप्शन और होता है कि जैसे कि फ्रेंड्स आप अपना यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं और प्लस वाला ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट ए पोस्ट, आप इस पर क्लिक करके तभी फ्रेंड्स आप उसी जगह ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां से आप ऊपर में आपने कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन को क्लिक किया था। तो यहां से भी आप जा सकते हैं। तो आप फोटो वाला वोटिंग पोल कैसे करेंगे अपने यूट्यूब के चैनल पर, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक वोटिंग पोल का, एक पोस्ट का। यानी फ्रेंड्स टेक्स्ट मैसेज वाला वोटिंग पोल कर सकते थे पहले इसी तरीके से और दूसरे में अपना फोटो कोई अपलोड कर सकते थे। तो अब जो नया अपडेट है ये कहाँ पे किया गया है, ध्यान से देखिए। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना वोटिंग पोल वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, एक इमेज का, एक टेक्स्ट का। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप पहले जैसे क्वेश्चन डाल के वोट पोल कर सकते थे उसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक इमेजेस का यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको यहीं से अपना फोटो वाला वोटिंग पोल करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इमेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए जैसे इमेजेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना, इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स कम्युनिटी टैब में फोटो का वोट पोल करने के लिए यहाँ पे दो या चार फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। मिनिमम तो आपको दो फोटो अपलोड करना है और मैक्सिमम चार फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखते रहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं इस पर गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ, फोटो ऑप्शन वन पे। अब मेरे फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो भी आपको फोटो अपलोड करना है, जो भी इमेजेस को अपलोड करना है उसका जो साइज है ना 1:1 का होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। या तो फ्रेंड्स आप अपने वीडियो का थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी चाहे तो अपने इच्छा के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मेरा फर्स्ट फोटो है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1:1 का रेशियो है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यह अपलोड हो गया। अब दूसरा फोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स फ्रेंड्स से मेरा गैलरी ऑप्शन ओपन होगा, मैं दूसरा फोटो भी ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो फोटो मैंने ले लिया है। तो दो फोटो के बाद आप यहाँ पे वोट पोल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं और भी दो फोटो अपलोड करूँ तो नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एड ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स फिर से दो ऑप्शन और आ जाएंगे, दो फोटो अपलोड करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं ऑप्शन थ्री पे क्लिक कर देता हूँ और ऑप्शन थ्री पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स फिर से मैं अपनी एक फोटो को और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे तीसरा वाला फोटो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन चार है, मैं चौथा भी फोटो इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। चारों फोटो को मैं बारी बारी से यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने चौथा फोटो को भी यहाँ पे अब अपलोड कर लिया। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक यहाँ पे टाइटल में क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूंगा कि आपको इनमें से मेरी कौन सा फोटो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने लिखा है मेरी कौन सी फोटो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, इस तरीके से मैंने लिख लिया है। तो आप भी इस तरीके से कुछ भी अपना लिख सकते हैं। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको ऊपर में पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिला है, मैं इस पर पोस्ट कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैं ये पोस्ट करूंगा, मेरे व्यूवर्स के पास, मेरे सब्सक्राइबर्स के पास अब ये पोस्ट धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में फोटो वाला बोट पोल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी फोटो वाला बोट पोल डाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये अपडेट आप लोगों को भी चैनल पे मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आपको अपना YouTube ऐप को अपडेट जरूर कर लेना है, और अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये फीचर्स जरूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।